मध्य प्रदेश के खरगोन में महेश्वर में सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। शराब पकड़ने गए आबकारी सब इंस्पेक्टर की शराब माफिया ने सरेराह जमकर पिटाई कर दी। महेश्वर के अंबेडकर मार्ग पर शराब बेचने वाले परशुराम प्रहलाद साठे के निवास पर जैसे ही आबकारी निरीक्षक मोहन भायल और तीन जवान पहुंचे और गेट के अंदर आते ही महिलाओं ने इंस्पेक्टर भायल की कॉलर पकड़कर थप्पड़ रसीद करना शुरू कर दिए। एक दो नहीं कई थप्पड़ रसीद किए। फिर दूसरी महिला ने आबकारी का डंडा छीनकर उस पर ही डंडों की बरसात शुरू कर दी। बाहर गेट पर एक जवान शराब माफिया को सफाई देता रहा पर उन्होंने एक ना सुनी। खरगोन जिले के पर्यटन नगर महेश्वर नगर के वार्ड क्रमांक 8 में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर आबकारी टीम अंबेडकर नगर में परशुराम प्रहलाद साठे के घर दबिश देने पहुंचे। महेश्वर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक मोहन लाल भायल को दो महिलाओं ने विरोध करते हुए जमकर डंडों से पिटाई कर दी। घर का गेट बंद कर इंस्पेक्टर पर पिल पड़े। एक महिला ने कई थप्पड़ जड़े, दूसरी इनसे दो कदम आगे निकली, आबकारी का डंडा छीना और आबकारी उप निरीक्षक मोहन लाल भायल पर बरसात कर दी। साथ में दो तीन जवान थे लेकिन वो अपनी टीम लीडर को पीटते देखते रहे पर बचाया नहीं। महिलाओं ने इंस्पेक्टर को कॉलर पकड़ी और अपशब्द कहते हुए गली में ले आए। फिर दूसरी महिला पीछे से डंडे बरसाती रही। रास्ते में लाल शर्ट वाले ने भी हाथ साफ किया। रास्ते भर वीडियो बना रहे टूटे हाथ वाले युवक ने भी दो तीन रसीद किए। महिलाओं ने पेशेवर गुंडे की भांति इंस्पेक्टर का जुलूस निकाल दिया। पूरे रास्ते इंस्पेक्टर भायल की इज्जत तार तार होती रही लेकिन कोई आबकारी जवान छुड़ाने नहीं आया। साथ वाले तीन आबकारी जवान इंस्पेक्टर की पिटाई के दौरान ही भाग खड़े हुए। महिलाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि थाने के सामने तक इंस्पेक्टर को पीटते रहे। थाने के गेट पर TI हाकम सिंह पवार आ गए लेकिन महिलाओं ने इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ा। TI ने जब जमकर फटकारा तो छोड़ा। पिटाई का वीडियो मारने वाले युवकों ने ही वायरल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। वहीं उप निरीक्षक भायल का कहना है, घटना के बाद मेरी पिस्तौल भी नहीं मिल रही है। खरगोन से अजय तिवारी और महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। ये आबकारी उप निरीक्षक है भायल, उनने पूर्व में 3-9 को एक कालमी की थी, ये जय शिव ढाबा है जो राजन सुपारी का है, वो जय शिव ढाबे पे उन्होंने आपका बहुत भारी मात्रा में शराब वगैरह पकड़ी थी, तो उसमें उनका नौकर चौथी को जो धारावती आबकारी में उसमें वो जेल गया और ये दो राजन सिंह ठाकुर और राजन सुपारी ये वहाँ से मौके से फरार हुए। तो आज जो घटनाक्रम हुआ, एक फाल्स सूचना इनको मोहनलाल भायल जो आबकारी निरीक्षक इनको दी गई कि यहाँ पे अवैध शराब रखी जो मूर्ते उसके ढाबे पे और यहाँ से वहाँ काम करते हैं, उसके अवैध कार्यों में वो मजदूरी से काम करते हैं ये लोग जिनने आज घटना की है, उनको वहाँ योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक वहाँ बुलाया और महिलाओं ने जैसे ही वो पहुँचे पूछने लगे इसका घर है प्रहलाद के घर की सूचना दी उन्होंने जो महिलाएँ हैं उनके घर की, तो उनके द्वारा उनके साथ वहीं मारपीट कर ली। इतने में उनका लड़का परशुराम कार्तिक और अन्य उसके जो रिश्तेदार हैं ये आ गए और इनके साथ वो मारपीट करने लगे। उस समय उनने वीडियो नहीं बनाया इसका और इनके एक शास्त्रीय विवाद वाद जो इन्हें इश्यू हुई थी पिस्टल वो और इनका मोबाइल उनके द्वारा छीन लिया गया, जो एक अरुण का नाम आया अरुण जलूत का उसको दे दिया, वो वहाँ से भाग गया। इसी में इन लोगों द्वारा इनके साथ में वही पूर्व जो आबकारी की कार्रवाई की बहुत उसी के उसके चलते इनके साथ आज ये घटनाक्रम हुआ, योजनाबद्ध तरीके से बुलाया और इनके साथ मारपीट की गई धंडों से, जो 7 लोगों के खिलाफ हमने लूट का प्रकरण, शासकीय कार्य में बाधा डालना, मारपीट शासकीय कर्मचारी के साथ और एक इकट्ठे होकर मारपीट करना, इन धाराओं में 394, 353, 332, 323, 147, 148, 149, 120 भी ITC में हमने अपराध पंजीकृत किया और जल्द ही हम आरोपी को पकड़ेंगे। सर कुछ दारू वगैरह कुछ बरामद करी क्या आपने? नहीं, दारू अभी बरामद नहीं की, अभी वहाँ सूचना मिली है तो मैंने अपने भेजे हुए हैं टीम को अलग अलग, वो भी राजेंद्र जो सुपारी है उसके अड्डो दो तीन पता लगा है तो वहाँ मैंने अपने टीम भेजी हुई है। मतलब अभी आपको कुछ दारू वगैरह कुछ बरामद नहीं हुई है? हाँ अभी नहीं।